मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मनुष्य अपने को नहीं देख रहा है, समाज को देखता है, औरों को देखता है। जब उसके जीवन में कोई दुख आता है तो दुख की वजह को वो कहां ले जाता है? अपने पे। अगर वो भगवान को मानता है तो उसको तो मिल ही गया, बना बनाया, भगवान ने किया ही। और जब लोग जेल जाते हैं तो क्या होता है कि वो वहां कैसे पहुंचे, उन्होंने वो जो गलती की वो कैसे कैसे वहां पहुंचे, वो तो वो सबको दोष देते हैं, अपने दोस्तों को दोष देते हैं, पुलिस को दोष देते हैं, जज को दोष देते हैं, गवर्नमेंट को दोष देते हैं, कानून को दोष देते हैं, समाज को दोष देते हैं, परंतु अपने को कभी दोष नहीं देते, क्योंकि वो अपने को देखते ही नहीं। आज हम जब शांति के बारे में बात करते हैं तो लोगों को कैसी शांति चाहिए? समाज की शांति चाहिए, निजी शांति नहीं चाहिए, समाज की चाहिए। हाँ, जब शांति होगी तो क्या होगा, पूछते हैं लोग हमसे। जब शांति होगी तो लोग तो क्या होगा, लड़ाइयां बंद हो जाएंगी? जो घपला तुम्हारे दिमाग में चल रहा है उसका किस लड़ाई से लेना देना है? कुछ नहीं, पर तुम्हारे अंदर भी लड़ाई चल रही है। और कब चलती है? जाते हो सोने के लिए, नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? यहां चक्की चल रही है, खतत 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 खतत, ये नहीं किया, ये कल करना है, ये नहीं हुआ, वो भी करना है, ऐसा भी नहीं करना, उसने क्या कह दिया, वो किससे क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, उसके पैसे नहीं है, उसके पैसे भरने हैं, वो ये करना है, वो ये करना है, वो करना। तो लड़ाई तो तुम्हारे अंदर चल रही है, और तुम्हारी लड़ाई के बारे में क्या है? उसकी शांति नहीं चाहिए तुमको? नहीं, यही तो चक्कर है। सबसे बड़ा चक्कर यही है कि कैसी शांति चाहिए तुमको? समाज की शांति चाहिए, ताकि सब लोग, तुम नहीं, सब लोग तुमसे अच्छा व्यवहार करें। यही लोगों का सपना है। जब शांति हो जाएगी तो सब आपस में मिलजुल के रहेंगे, और नहीं रहे तो तुम्हारा परिवार है कि नहीं है? तुम अपने परिवार से प्रेम करते हो या नहीं? तुम्हारे परिवार में कभी लड़ाई नहीं होती है? तो फिर तो इसका मतलब है कि सब एकदम एक जैसे ही एक दिन लड़ाई हुई सब दूसरी दूसरी तरफ चले गए, परिवार खत्म। परिवार में लड़ाई होती है और आपस में बैठ के प्यार भी होता है, होता है कि नहीं? तो वो कभी बंद होगी ना? क्योंकि एक सिर्फ एक ही को तो कहना है, जब सब कह रहे हैं, सब वोट डाल रहे हैं, वो भी डेमोक्रेसी है, सब वोट डाल रहे हैं गुलाब जामुन के लिए, एक ने डाल दी लड्डू के लिए, तो बस लड़ाई हो जाएगी। किस भी इस बात को लेके लड़ाई होती है, कौन सी मूवी देखने जाएंगे? अभी मूवी देखने के लिए नहीं गए, कौन सी जाएंगे देखने के लिए, उसी पे लड़ाई हो जाएगी। उससे कुछ नहीं होता,
परंतु ये जो लड़ाई तुम्हारे अंदर चल रही है, ये क्या कर रही है? ये तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर रही है। हर रात दीमक की तरह ये तुम्हारे ऊपर लगी हुई। और जहां तक बात है तुम्हारी, तुम्हारी अपनी क्या समझ है तुम्हारे बारे में? तुम्हारे बारे में तुम्हारी क्या समझ है? अपने बारे में कितना जानते हो?